सो गाइस, आप लोग भी कुछ इस टाइप से इमेज जनरेट करना चाहते हैं, कुछ इस टाइप से आप लोग अपने फ़ोटो को एंड नाम नाम एंड फोटो आप लोग अपने फेस को लगाना चाहते हो, तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच कर लीजिएगा एंड यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि गाइस मैं एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो डालूंगा तो गाइस सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक चला जाए गाइस। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो, कुछ इस टाइप से आप लोग भी अपने इमेज को जनरेट कर सकते हैं एंड अपना फेस वो भी गाइस आप लोग बिल्कुल आसान से लगा सकते हैं गाइस कुछ इस टाइप से। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू वॉच कर लीजिएगा एंड यह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल से गाइस आप लोग गूगल पे आ जाइएगा एंड गाइस कुछ इस टाइप से यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा बिंग इमेज AI क्रिएटर। तो गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग बिंग AI इमेज क्रिएटर सर्च कर लीजिएगा गाइस कुछ इस टाइप से। तो गाइस हम लोग भी कुछ इस टाइप से सर्च कर ले रहे हैं एंड आप लोग भी अच्छे तरीके से सर्च करके सिंपल से आप लोग क्या कर लीजिएगा, सबसे फर्स्ट नंबर पे कुछ इस टाइप से आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। तो गाइस सिंपल से हम लोग क्लिक करने के बाद यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, आप लोग इस वेबसाइट को आप लोग लॉगिन आप लोग कर लीजिएगा, तभी गाइस आप लोगों का जो होगा वो काम करेगा इस कुछ इस टाइप। तो सिंपल से आप लोगों का एक लिंक आप लोग को मिलेगा, कुछ इस टाइप से आप लोग पेस्ट कर लीजिएगा एंड गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग ना यहाँ पे ब्लैक थार होगा, तो कुछ इस टाइप से आप लोग ना इसको आप लोग अपने अकॉर्डिंग आप लोग रेड ऑरेंज कुछ इस टाइप से आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो सिंपल से हम लोग रेड कलर को एडजस्ट करके यहाँ से सिंपल से क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो गाइस कुछ मिनट एडजस्ट कर लेंगे गाइस कुछ इस टाइप से, यहाँ से हम लोग थोड़ा देर एडजस्ट कर लेंगे गाइस कुछ इस टाइप से, तो आप लोगों को रिजल्ट देखने को कुछ इस टाइप से आप लोगों को सामने मिल जाएगा गाइस। तो आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोग क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिए हैं। तो सिंपल से देख सकते हैं एक बार में चार फोटो हम लोगों का गाइस जनरेट होकर गाइस कुछ इस टाइप से आ गया है। तो आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोगों का जो फोटो देखने में कितना अच्छे तरीके से दिख रहा है गाइस। तो आप लोग सिंपल से यहाँ से आप लोग क्या कर लीजिएगा, स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा एंड गाइस आप लोग ना सिंपल से यहाँ से थ्री डॉट जो दिख रहा है कुछ इस टाइप से, तो गाइस आप लोग सिंपल से थ्री डॉट पे आप लोग थ्री डॉट पे क्लिक करके एंड गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से एक बार में चार हम लोग का इमेज जनरेट होकर आ गया है एंड गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग रेड को फिर से आप लोग दूसरा कलर को थार लेना चाहते हैं। तो गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग ना सिंपल से आप इसको भी कट यहाँ से करके यहाँ से ऑरेंज आप लोग डाल दीजिएगा। तो गाइस कुछ इस टाइप से हम लोग भी ऑरेंज लगा ले रहे हैं एंड गाइस कुछ इस टाइप से सिंपल से फिर से क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो गाइस सिंपल से क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद कुछ सेकेंड वेट कर लेने के बाद सिंपल से आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोग का जो इमेज है वो क्रिएट होगा गाइस कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो कुछ सेकेंड आप लोग वेट कर लीजिएगा एंड गाइस कुछ इस टाइप से आप लोगों को रिजल्ट देखने को गाइस सामने मिल जाएगा। तो गाइस आप लोग कुछ सेकंड वेट कर लीजिएगा एंड गाइस तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोगों का जो फिर से इमेज चार इमेज जनरेट होकर आ गया है गाइस। तो सिंपल से आप लोग क्या कर लीजिएगा, यहाँ से आप लोग इमेज पे क्लिक करके एंड गाइस कुछ इस टाइप से स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा। तो गाइस आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से जो इमेज है वो क्रिएट होकर आ गया है। तो सिंपल से आप लोग क्या कर लीजिएगा, यहाँ से आप लोग सिंपल से थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड गाइस कुछ इस टाइप से ना आप लोग फोटो को गाइस कुछ इस टाइप से डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। तो गाइस आप लोग फोटो को आप लोग अपने फोटो को डाउनलोड सिंपल से करके एंड यहाँ गाइस यहाँ से सिंपल से ना आप लोग क्या कर लीजिएगा, यहाँ से आप लोग सिंपल से यहाँ से बैक आ जाइएगा। तो गाइस कुछ इस टाइप से हम लोग बैक आ जाएंगे एंड गाइस कुछ इस टाइप से बैक आ जाने के बाद सिंपल से हम लोग ना गूगल क्रोम ब्राउजर को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे एंड गाइस यहाँ से आप लोग क्या सर्च कर लीजिएगा, यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा इस कुछ इस टाइप से रीमेक फेस स्वैप का इस कुछ इस टाइप से सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस कुछ इस टाइप से आप लोग सर्च कर लीजिएगा फेस स्वैप डॉट कॉम। तो गाइस कुछ इस टाइप से आप लोग फेस स्वैप डॉट कॉम कुछ इस टाइप से आप लोग सर्च कर लीजिएगा। तो गाइस कुछ इस टाइप से हम लोग इस सर्च कर ले रहे हैं फेस स्वैप डॉट कॉम एंड गाइस कुछ इस टाइप से सर्च करने के बाद सिंपल से आप लोग एक बार गाइस तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एंड गाइस यहाँ से ना आप लोग यहाँ से आप लोग आ जाइएगा फेस स्वैप ऑनलाइन फ्री पे एंड गाइस यहाँ से आप लोग सिंपल से क्या कर लीजिएगा, सबसे गाइस अपलोड इमेज का ऑप्शन गाइस कुछ इस टाइप से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो उस वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर लीजिएगा एंड गाइस अभी जो फोटो आप लोग डाउनलोड किए होंगे कुछ इस टाइप से उसी फोटो को सेलेक्ट करके यहाँ से आप लोग डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा एंड गाइस नीचे आप लोग जो फोटो उसमें लगाना चाहते हैं गाइस कुछ इस टाइप से रीमेक करना चाहते हैं तो गाइस आप लोग उसी फोटो को गाइस कुछ इस टाइप से सेलेक्ट करके यहाँ से डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड गाइस स्वैप वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो गाइस कुछ इस टाइप से हम लोग का जो फेस होगा कुछ इस टाइप से गाइस वन क्लिक के अंदर में कुछ इस टाइप से हम लोग का जो फेस देख ही सकते हो कुछ इस टाइप से हम लोग का जो फेस है वो
गाइस लग गया है। तो सिंपल से यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे एक बार गाइस क्लिक करके यहाँ से सिंपल से डाउनलोड कर लेंगे गाइस।